तो दोस्तों 8 सितंबर का दिन इंडियन फैंस के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि आखिरकार 6 साल बाद WWE इंडिया में अपना पहला इवेंट करने वाली है हैदराबाद में। हालांकि दोस्तों फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार जॉन सीना का है, जो कि ना कि सिर्फ इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं बल्कि वो एक्शन में भी दिखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जॉन सीना अपने पूरे WWE करियर में पहली बार इंडिया में अपना पहला मैच लड़ने वाले हैं, और इसके लिए दोस्तों जॉन सीना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, और इन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने अपीयरेंस को काफी ज्यादा हाइप भी कर चुके हैं। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सुपरस्टार है जो आपको इंडिया में दिखने वाले हैं, और कितने मैच अभी तक ऑफिशियल हुए हैं, उन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं सुपरस्टार्स के बारे में जो इंडिया आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जॉन सीना के अलावा मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, आईसी चैंपियन गुंथर, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिपली, द इंपीरियम, बेकी लिंच, नटालिया, ब्रॉन ब्रेकर, केविन ओवेंस, सैमी जेन और ड्रू मैकइंटायर जैसे सुपरस्टार आपको इस लाइव इवेंट में दिखेंगे। और दोस्तों कुछ इंडियन सुपरस्टार भी आपको दिखने वाले हैं, जैसे कि जिंदर महल, वीर महान, शेंकी और संगा। वैसे दोस्तों देखा जाए तो अभी तक WWE ने सिर्फ 3 मैच ही ऑफिशियल किए हैं, जिसमें पहला मैच जॉन सीना और सेथ रॉलिंस वर्सेस इंपीरियम के लुडविक काइजर और जियो विंची के साथ टैग टीम मैच है, और रिया रिपली वर्सेस नटालिया के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, और इंदर शेर वर्सेस सैमी जेन और केविन ओवेंस का टैग टीम मैच। दोस्तों ऐसे देखा जाए भले ही अभी सिर्फ 3 मैच ही ऑफिशियल हुए हों, लेकिन अभी भी दोस्तों इस इवेंट को होने में 2 दिन का वक्त है, तो उम्मीद है कि दोस्तों अभी और तगड़े मैच WWE ऑफिशियल कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये देखना है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे गुंथर और ड्रू मैकइंटायर का मुकाबला किससे होता है। वैसे दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपने पेबैक देखा होगा, जहां पर ग्रेसन वालर इफेक्ट पर कोडी रोड गेस्ट के तौर पर दिखे थे, और वहां कोडी रोड ने शॉक करते हुए ये ऐलान किया था कि जे उसो अब रॉ के सुपरस्टार होने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद से हमको इस वीक रॉ पर ऑफिशियली तौर पर जे उसो रॉ के सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस वीक रॉ पर एडम पियर्स ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जे उसो स्मैकडाउन के सुपरस्टार रॉ पर आए हैं, तो उनके बदले में रॉ के सुपरस्टार को भी स्मैकडाउन पर जाना होगा। तो ऐसे में दोस्तों वो कौन होगा, उससे काफी ज्यादा जो लोगों ने स्पेक्टुलेशन लगाना शुरू किया है ना, वो कोई और नहीं बल्कि कोडी रोड है। जी हाँ दोस्तों आपने देखा ही होगा, कोडी रोड ने ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए वो स्मैकडाउन पर दिखे थे, और उसके बाद से वो मंडे नाइट रॉ पर भी दिख नहीं रहे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कोडी रोड की स्टोरी अभी रोमन रेंस से भी खत्म नहीं हुई है, और आपको पता भी होगा ज्यादातर रूमर्स यही है कि इस बार कोडी रोड रेसलमेनिया में रोमन रेंस को डिथ्रोन करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में कोडी रोड इस वक्त सबसे टॉप पर बने हुए हैं जो ब्लू ब्रांड पर जा सकते हैं। और दोस्तों खुद कोडी रोड ने भी पेबैक में ग्रेसन वालर इफेक्ट के सेगमेंट से दोबारा से इस एंगल में कदम रखा था, तो ऐसे में दोस्तों क्लियर हिंट मिल रहा है कि कोडी रोड ही है जो स्मैकडाउन पर जाने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि कौन सा सुपरस्टार जा सकता है मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, जिससे कि आपको ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे।